हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, सोरायसिस, जो स्किन की एक कॉमन और कॉम्प्लेक्स बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरायसिस के बारे में, उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन, क्यों होती है, किस तरह के लक्षण होते हैं, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है और उसका इलाज किस प्रकार से होता है। सोरायसिस के बारे में इस जानकारी को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोरायसिस क्या होता है, सोरायसिस के कारण के बारे में, ये क्यों होता है, और सोरायसिस के लक्षण और सोरायसिस के प्रकार के बारे में। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सोरायसिस के डायग्नोसिस के बारे में, कि किस तरह से इसको डायग्नोस करते हैं स्किन के डॉक्टर, और स्किन के डॉक्टर इसका इलाज किस तरह से करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से कब काम में लिए जाते हैं, और एक बार बीमारी कंट्रोल होने के बाद में घर पर किस तरह से सोरायसिस को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो जो सोरायसिस होती है वो एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज होती है, यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जिसमें स्किन में इन्फ्लामेशन होता है, और स्किन के साथ साथ वो अपने नाखून को और जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस करती है, नेल्स को डैमेज कर सकती है। और जो रिसेंट स्टडीज हैं पिछले 4 से 5 साल के लिटरेचर की, उसमें ये पता चला है कि ये अपने इंटरनली भी बीपी, डायबिटीज़ और डिप्रेशन, इस तरह की दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है। सोरायसिस का जो क्लासिकल लक्षण होता है, इसमें जो चमड़ी में लालपन आता है, एक हल्का सा मोटापन आता है यानी थिकनेस आती है, रेडनेस आती है, और एक सिल्वर वाइट कलर की पपड़ी आती है, मोटी पपड़ी। इस तरह से सोरायसिस को पहचाना जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक स्किन में मरीज को काफ़ी परेशान करने वाली बीमारी है सोरायसिस, जो बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है, और एल्डरली पीपल में भी हो सकती है। मेल और फीमेल दोनों में लगभग बराबर सी होती है। जो प्रिवेलेंस रेट देखें तो वो 2-4% है ओवरऑल द पॉपुलेशन, 2-4% पॉपुलेशन को सोरायसिस है। सोरायसिस का इलाज है वो इसकी सीवियरिटी को मेजर करके किया जाता है, और सीवियरिटी को मेजर करने में जो बॉडी एरिया इन्वॉल्व रहता है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दोस्तों, जानते हैं सोरायसिस के बारे में सबसे पहले कि सोरायसिस का कारण क्या है। तो दोस्तों, ऐसा कोई एक सिंगल मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल पाथवे नहीं है जिससे सोरायसिस के होने के कारण को समझा जा सके। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, मल्टीपल पाथवेज होते हैं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी का होना एक्सप्लेन किया हुआ है साइंटिफिक लिटरेचर में। उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उसमें एक जेनेटिक्स है, एक आपका इम्यून सिस्टम है, और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सोरायसिस होती है। तो जेनेटिक्स में अगर रफली आइडिया लिया जाए तो लगभग 30-35% के आसपास जो पेशेंट होते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। अपने कई तरह के जीन हैं जिनका लिंक सोरायसिस से पाया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे पहले से पता लगाया जा सके कि आने वाली पीढ़ी में सोरायसिस होगा या नहीं होगा, या मुझे है तो मेरे रिलेटिव को सोरायसिस होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अच्छे खासे केसेस में जो 30-35% जो परसेंटेज है वो कम नहीं होता है दोस्तों, तो अच्छे खासे पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरायसिस प्रेजेंट रहती है। सेकंड फैक्टर है इम्यून फैक्टर। अब इम्यून फैक्टर को ऐसे समझिए कि अपना जो स्किन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर वाली जो परत होती है वो एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर में भी जो सबसे ऊपर वाली जो डेड लेयर है जो अपने को महसूस होती है वो डेड लेयर होती है स्टेटम कॉर्नियम। उसके नीचे और 4 परतें होती हैं एपिडर्मिस के अंदर, तो एपिडर्मिस में टोटल 5 परतें होती हैं। उनके नीचे डर्मिस होती है, उसी डर्मिस में अपनी स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं, अपने स्किन की और दूसरी कोशिकाएं होती हैं, इम्यून सिस्टम वाली जो कोशिकाएं जो ब्लड से स्किन में और स्किन से ब्लड में जाती हैं वो कोशिकाएं होती हैं, और उस डर्मिस के नीचे फैट वाली लेयर होती है। इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो जब ब्लड से आपके स्किन में पहुंचा डर्मिस में, वो एपिडर्मिस को मैसेज देता है रैपिडली टर्नओवर बढ़ाने का, यानी अपना जो बना उसके जो बनने की क्षमता है उसको फास्ट करने का। नॉर्मली जो स्किन होती है वो 30-50 दिन के बीच में चेंज हो जाती है।
अगर एवरेज देखा जाए तो 50 डेज के उस पे जाकर अपना जो लेयर है वो अपने दूसरे अपने आप को रिप्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ सोरायसिस में ये स्पीड जो स्किन को रिप्लेस करने वाला जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेजी से यहाँ पर स्किन चेंज होती है, एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं वो चेंज होती है। एक डिस्टर्बेंस आया स्किन का बहुत तेजी से बनना, दूसरा डिस्टर्बेंस आता है जो अपने स्किन का जो नॉर्मली अपने को पता नहीं लगता कि कब 30 से 50 दिन के बीच में अपना लेयर शेड हो गया और नया लेयर आ गया, यहाँ पर वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो शेडिंग ऑफ द स्किन है अपर लेयर की, डेड लेयर की, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो मोटी परत के रूप में शेड होने लग जाती है। एक सामान्य भाषा में समझें तो अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो स्किन की मशीनरी है वो थोड़ी सी फास्ट काम करने लग जाती, कहां तो आप 30 से 50 दिन में स्किन चेंज हो रही थी, कहां आप 4 से 5 दिन में 7 दिन में स्किन चेंज हो रही है। अब कोई मशीनरी अगर तेज काम करेगी तो उसके लिए जो नीचे वाली लेयर है डर्मिस, उसमें भी बदलाव आते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उस मशीनरी को, तो उसमें इस डर्मिस के अंदर जो अपना खून की नलियों का जो संख्या है या उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है उस एपिडर्मिस को ज़्यादा काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। वो लालपन लाने का काम करता है, थोड़ी सी स्किन में मोटाई लाने का काम करता है। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होकर स्किन में सोरायसिस बनाने में रोल प्ले करता है। और तीसरा फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें अलग अलग तरह के जैसे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, स्मोकिंग और एल्कोहल कंजम्पशन, ये सोरायसिस के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। और अगर सोरायसिस हो रखा है तो उसको फैलाने में रोल प्ले करते हैं। और अगर आप सोरायसिस है आपको और आपको स्मोकिंग और एल्कोहल का हैबिट है तो ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स को भी पुअर करते हैं। ओबेसिटी, ये भी सोरायसिस होने में रोल प्ले करती है। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये भी सोरायसिस को बिगाड़ती हैं, वर्सन करती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स जो बीपी में काम आती हैं, लिथियम और कुछ एंटी मलेरियल्स, ये सोरायसिस को प्रेसिपिटेट यानी स्टार्ट करने में रोल प्ले कर सकती हैं। तो दोस्तों ये बड़े बड़े तीन फैक्टर थे जिनकी वजह से सोरायसिस डेवलप होती है। इसके अलावा भी कई माइनर फैक्टर होते हैं जिनको यहाँ मेंशन करना इतना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं सोरायसिस के लक्षण की। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, सोरायसिस का जो क्लासिकल लक्षण होता है उसमें रेडनेस, चमड़ी में जो निशान बनते हैं उसकी थिकनेस, मोटापन और एक सिल्वर व्हाइट कलर की पपड़ी, सफेद कलर की मोटी पपड़ी, ये तीन इसके क्लासिकल फीचर्स होते हैं। सोरायसिस जनरली अपने बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं जहां पर इसका प्रीडिस्पोजिशन रहता है, यानी उन हिस्सों पर ज्यादा होती है, जैसे बोनी प्रोमिनेंसेस, एल्बो, नीज, लेग्स और लोअर बैक, इन जगह पर सोरायसिस ज्यादा होती है। कभी कभार सोरायसिस किसी किसी को सर से स्टार्ट होती है, कुछ सालों तक वो सर में रह सकती है, सर के बाद में फिर वो धीरे धीरे बॉडी के दूसरे हिस्सों में हो सकती है। कुछ मरीजों को सोरायसिस हथेली और तलवों से स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे बॉडी के दूसरे एरियाज को इन्वॉल्व कर सकती है। ये तो हो गया स्किन के सोरायसिस में कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस तरह के निशान बनते हैं। नाखूनों को भी सोरायसिस इन्वॉल्व कर सकता है, तो इसमें नाखून में पीलापन आना या नाखून का अपने नीचे जो उसका बेड होता है नेल बेड उससे सेपरेट हो जाना, नाखून और नाखून के टिश्यू के बीच में गैप बन जाना, नाखून की जो प्लेट है नेल प्लेट उसका मोटा हो जाना, टूटी फूटी हो जाना और एक नाखून की प्लेट पर छोटे छोटे बारीक से गड्ढे हो जाना जिसको पिटिंग कहते हैं, नेल पिटिंग। तो ये 4-5 कॉमन लक्षण हैं जिसमें पता लगा सकते हैं कि ये सोरायसिस है वो नाखूनों को इन्वॉल्व कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा सोरायसिस जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, तो ये जनरली स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद बाकी बॉडी के दूसरे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। इसको सोराइटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि पहले आर्थराइटिस होती है, उसके कुछ सालों बाद स्किन के लीजन डेवलप होते हैं, और ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि पहले स्किन में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद जाकर के जब सीवियर फॉर्म होता है सोरायसिस का या एक्सटेंसिव फॉर्म होता है तो फिर ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। ये क्लासिकल सोरायसिस है। इसके अलावा किसी किसी मरीज में बिल्कुल उलट, जो मैंने बताया कि सोरायसिस नॉर्मली बोनी प्रोमिनेंसेस पर ज़्यादा होती है, किसी किसी में ये बॉडी फॉल्ट्स में ज़्यादा होती है जिसमें अंडरआर्म और ग्रोइन एरिया मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं। स्किन में जो सोरायसिस होती है उसमें उसके लाल पपड़ीदार मोटे निशानों के अलावा जो सिम्टम आ सकते हैं वो उन निशानों में खुजली चल सकती है और कभी कभार उन निशानों में दर्द भी हो सकता है। तो इचिंग और पेन स्किन के निशानों से संबंधित सिम्टम साथ में हो सकते हैं।
अब बात करते हैं सोरायसिस के टाइप्स की। तो जो इसका जो सबसे कॉमन टाइप है, वैसे तो बहुत टाइप होते हैं सोरायसिस के, हम यहाँ पर बहुत कॉमन कॉमन टाइप के बारे में ही बात करेंगे। तो जो सबसे कॉमन टाइप है वो है प्लाक सोरायसिस। तो प्लाक सोरायसिस में भी स्मॉल प्लाक और लार्ज प्लाक, ये डिपेंड करता है प्लाक की साइज के ऊपर, 3 सेंटीमीटर से छोटा है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है उसके ऊपर। अगर छोटा है तो स्मॉल प्लाक सोरायसिस है, और अगर बड़ा है तो लार्ज प्लाक सोरायसिस है, और अगर लंबे टाइम से बीमारी चली आ रही है तो उसको फिर क्रॉनिक प्लाक सोरायसिस बोलते हैं। तो इसमें चौड़े चकते बनते हैं, जैसा मैंने बताया लाल पपड़ीदार मोटे निशान बनते हैं बॉडी के उन साइड्स पर, बोनी प्रोमिनेंसेस, लेग, फोरआर्म, लोअर बैक, इन जगह पर ज़्यादा बनते हैं। स्कैल्प में भी हो सकते हैं, कभी कभार बॉडी के बिखरे हुए सभी हिस्सों पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड टाइप होता है गटेट सोरायसिस। गटेट सोरायसिस जनरली बच्चों में ज़्यादा होता है, या अपन ये कह लें कि जो 10 से 20 साल के बीच में जो एज है उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। ज़्यादातर समय पे ये अपने स्किन में जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें हल्का फुल्का गले में खराश, खांसी, जुखाम, या टॉन्सिलाइटिस हो गया, या दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको ये फॉलो करता है। उसके 15-20 दिन से लेकर के महीने भर बाद में गटेट सोरायसिस टाइप डेवलप हो सकता है। तो इसमें और प्लाक सोरायसिस में डिफरेंस क्या होता है कि गटेट सोरायसिस में जो निशान बनते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उनमें पपड़ी भी थोड़ी पतली होती है, और जो संख्या होती है वो बहुत सारी होती है, यानी पूरे पीठ पे, जैसे पीठ सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, पीठ पर, कंधों के आसपास या कमर के साइड में, इन जगह पर पूरे भर भर के निशान होते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और सारे के सारे निशान जनरली बहुत कम समय में डेवलप होते हैं। कंपेयर टू प्लाक सोरायसिस ये जल्दी ठीक भी हो जाती है। कभी कभार इन गटेट सोरायसिस वाले पेशेंट्स में बाद में जाकर के प्लाक सोरायसिस होने की संभावनाएं रहती हैं। तीसरा टाइप है पस्टुलर सोरायसिस। तो ये पस्टुलर सोरायसिस में जो प्लाक सोरायसिस था उसी के निशानों में पस्टूल डेवलप हो सकती है। पस्टूल किसे कहते हैं? पीले मवाद वाले दाने जो होते हैं। तो वो मवाद का मतलब इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन वाले दाने नहीं होते, लेकिन जो दाने बनते हैं उसमें जो फ्लूड होता है वो भी येलो और मवाद जैसा, पस जैसा होता है, इसलिए पस्टुलर सोरायसिस कहा जाता है। तो ये डेवलप होता है उस टाइम पर, फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, या पेशेंट थोड़ा सा ये समझिए कि ज़्यादा बीमार होता है कंपेयर टू प्लाक सोरायसिस। और जब ये एक्सटेंसिव होता है तो इसको एक इमरजेंसी कंडीशन माना जाता है। तो प्लाक सोरायसिस पस्टुलर सोरायसिस में कन्वर्ट हो सकती है, और पस्टुलर सोरायसिस खुद अपने आप से भी स्टार्ट हो सकता है बिना प्लाक सोरायसिस बने। एक टाइप होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस। अब ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, लेकिन आप इसमें बेसिकली इतना समझिए कि जब सोरायसिस से 90% से ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको इरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस बोलने लग जाता है, यानी पूरा बॉडी जब इन्वॉल्व हो जाता है, रेड हो जाता है। तो एक नेल सोरायसिस जैसा मैंने बताया आपको, उसमें नाखून की प्लेट का मोटा हो जाना, नाखून की प्लेट का और नाखून के बेड का, नेल प्लेट और नेल बेड का सेपरेशन हो जाना, ओनाइकोलाइसिस बोलते हैं जिसे, और नेल प्लेट के ऊपर छोटे छोटे बारीक गड्ढे हो जाना, पिटिंग बोलते हैं, नाखून के अंदर हल्का सा येलो स्पॉट बन जाना, ऑयल स्पॉट, या फिर कुछ लाल छोटे छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स नज़र आना, तो ये नाखून का टूटा फूटा हो जाना, ये सब नेल सोरायसिस के लक्षण होते हैं। एक पामो प्लांटर सोरायसिस होती है, जिस पाम मतलब हथेलियों में, प्लांटर मतलब तलवों में, जो लिमिटेड रहती है पामो प्लांटर जो पाम्स और सोल के लेवल पर, तो उसमें चमड़ी का मोटा हो जाना, कट लग जाना, फिसर्स पड़ जाना, दरारें पड़ जाना, और मोटी मोटी पपड़ी आना, और यही जो निशान है ये दोनों साइड भी डेवलप हो सकते हैं। तो इससे यहाँ से इन लोकेशन से कैरेक्टरिस्टिकली पता लग जाता है कि ये सोरायसिस के निशान है, ऐसे ही तलवों में होता है। तो सोरायसिस में जनरली जो तलवे का अपना बीच का हिस्सा होता है, जो जमीन के टच नहीं होता, उन जगह पर भी निशान बनते हैं कंपेयर टू एक्जिमा। ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है इसको। तो ये जो क्रैक्ड हील्स होती हैं, क्रैक्ड सोल हो गए या पाम्स हो गए, ये कभी कभार थोड़ी डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं दर्द की वजह से। तो डेली जो एक्टिविटीज रहती हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। कभी कभार सोरायसिस पूरे लाइफ टाइम केवल स्कैल्प में लिमिटेड हो सकता है, तो उसको हम स्कैल्प सोरायसिस बोल देते हैं। उसमें माथे में आपके मोटी पपड़ी आना, लाल निशान होना, बहुत ज़्यादा खुजली करने पर, स्क्रैचिंग करने पर कभी कभार ब्लीडिंग नज़र आ जाना। एक सीबो सोरायसिस टर्म होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जब डेंड्रफ यानी सीबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरायसिस दोनों एक साथ मिक्स्ड प्रेजेंट होती हैं, तो उसको सीबो सोरायसिस बोला जाता है। तो इन केसेज में जनरली स्कैल्प
ईयर गर्दन या आपकी गर्दन के आसपास जो हेयर की लाइन की बॉर्डर है उसके आसपास और चेस्ट के बीच में अपर बैक पर जो सिबोरिक साइट्स हैं वहां पर सोरायसिस जैसे निशान बनना, तो उसको सिबोसोरायसिस बोल दिया जाता है। एक टाइप अपना सोरायटिक आर्थराइटिस, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट वाला टाइप। तो ये सोरायसिस के अलग अलग टाइप होते हैं, इन टाइप्स को देखकर पहचाना जा सकता है, इन टाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये था सोरायसिस क्या होता है, किस तरह के लक्षण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे अपने शरीर पर ये अपने रूप दिखा सकता है, इस बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोरायसिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से सोरायसिस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट के लेवल पर अच्छी लगी है, तो जिनको भी सोरायसिस है अपने जान पहचान में, अपने फैमिली में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।